हेलो फ्रेंड्स, आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं आंवले की चटनी। इसके लिए 4 आंवला ले लिए हैं, आधी छोटी अदरक ले लिए हैं आधी छोटी टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी धनिया पत्ती। आंवलों को हम इस प्रकार काट लेंगे और बीज को अलग कर लेंगे। उसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरीके से धोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। सभी चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। इसमें 4 हरी मिर्च मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब सभी को पीस लेंगे। चटनी रेडी हो चुका है। इसे हम 8 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आंवले की चटनी स्वादिष्ट होती है। इसे आप पराठे के साथ, दाल चावल रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस चटनी को झालमुढ़ी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। आज बना रहे हैं हम झालमुढ़ी। इसके लिए लिए हैं मूढ़ी, चना, बॉयल आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, भुना हुआ बादाम, मिक्सचर, सेव, प्याज और खीरा बारीक बारीक काट के। बॉयल किया हुआ आलू, बादाम और चना को पहले मिला लेंगे। उसके बाद मूढ़ी डालेंगे, फिर मिक्सचर डालेंगे, स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर है, आधी छोटी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच सरसों तेल डालेंगे, और इसे मिला लेंगे। 1 चम्मच आंवला की चटनी डालेंगे। अभी आंवला की चटनी है अवेलेबल, इसलिए डाल रहे हैं, और नहीं तो धनिया की चटनी डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे। अब प्याज, धनिया पत्ता, खीरा को डालकर सबको मिला देंगे। अब सेव को डालेंगे और मिला देंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए, चटपटी झालमुढ़ी तैयार है।